Hello fam, Mahi Mello presenting Blood Vessel 2019. Second World War के अंत के दौरान जर्मनी ऑर्डर देता है सभी सर्वाइवर्स और जहाज़ों को ख़त्म करने का, इसलिए कुछ लोगों को लाइफ बोट से भागना पड़ता है। पर समुद्र के बीच में कोई मदद ना मिल पाने और खाने की कमी होने से ये लोग मरने के कगार पे होते हैं। तभी उन्हें एक शिप दिखाई देता है, पर वो जर्मनी का होता है। लेकिन दोनों तरफ मौत को देखते हुए ये लोग शिप पे चढ़ने का फैसला करते हैं और देखते ही देखते ये जहाज़ एक खूनी जहाज में तब्दील हो जाता है, और वो कैसे ये जानेंगे हम आगे के स्टोरी में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी। शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग अधमरी हालत में समुद्र के बीच में तैर रहे होते हैं, और तभी उनकी तरफ एक जहाज आती हुई दिखाई देती है, पर उस पर जर्मनी का फ्लैग लगा होता है और ये लोग जर्मनी से ही भाग रहे होते हैं। पर बिगलो कहता है कि हमें इस पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी हम समुद्र में मारे जाएंगे। इसके बाद सब लोग एक एक के शिप पे रस्सी के सहारे चढ़ने लगते हैं, और तभी कैप्टन का पैर स्लिप हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है, और गिरते ही जहाज के निचले हिस्से से वो पूरी तरह से कट के मर जाता है। फिर बचे हुए लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता और इंजन चालू होता है। इस पे दो लोग, बिगलो और टेप लोग, ऊपर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक जली हुई बॉडी मिलती है। वो डर जाते हैं क्योंकि वो बॉडी बहुत ही अजीब तरह से दिखाई देती है। और फिर ये लोग सिनक्लेयर नाम के आदमी को ऊपर बुलाते हैं, जो कहता है कि हमें ये बात सिर्फ अपने बीच में रखनी होगी, क्योंकि वो किसी को भी अभी डराना नहीं चाहते। फिर सब लोग आगे और छानबीन करते हैं और उन्हें एक डॉल मिलती है जो काफ़ी डरावनी होती है। डॉल और डरावनी ना, वो भी हॉरर में, नॉट पॉसिबल राइट। वेल, फिर ये लोग कपड़े चेंज करते हैं और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, और सिनक्लेयर एक फ़ोटो दिखा के बताता है कि ये मेरी वाइफ है। पिछली लड़ाई के दौरान इसे बताया गया था कि मैं मर चुका हूँ और इसलिए इसने दोबारा से शादी कर ली, पर मैं बस एक लास्ट बार उसे देखना चाहता हूँ। अब ये लोग जहाज के मैप देखते हैं और जैक्सन बोलता है कि मैं इंजन वाले रूम में जाके देखता हूँ कि आखिर ये इंजन चल कैसे रहा है, और बाकी लोग रेडियो रूम में जाते हैं जिससे वो अपना लोकेशन बता सके। पर रेडियो से जर्मन की आवाज़ आती है, इसलिए वो कुछ रिप्लाई नहीं करते। और दूसरी तरफ जैक्सन कहता है कि बॉयलर पूरी तरह से सूख चुका है और हमें तुरंत ही इंजन को बंद करना होगा, वरना पूरी शिप ब्लास्ट हो जाएगी। फिर ये लोग इंजन बंद करते हैं और पूरे शिप में अंधेरा हो जाता है। तभी बिगलो का हाथ एक चिपचिपे चीज़ पे पड़ता है, और जब ऊपर वो देखता है तो उसे एक लाश दिखाई देती है जो पूरी तरह से जल चुकी होती है। बिगलो चिल्लाता है कि नहीं, एक और लाश। जैक्सन कहता है, एक और मतलब? फिर ये लोग बताते हैं कि ऊपर एक ऐसी ही लाश पड़ी थी। जैक्सन कहता है कि यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। फिर इन लोगों में लड़ाई होती है, और तभी पीछे से एक छोटी लड़की रेंगते हुए भागती है। ये लोग डर जाते हैं और पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचते हैं जहां एक और एक जली और अकड़ी हुई लाश पड़ी होती है, और उसी के कोने में ये छोटी लड़की डरी सहमी सी बैठी होती है। जेन उसको अपना हाथ देती है और वो उसके हाथ पे काट लेती है और फिर वहां से भाग जाती है और रोमेनियन लैंग्वेज में कुछ बोलती है, पर इन्हें समझ नहीं आता। टिपलुप कहता है कि शायद ये अपनी फैमिली को आज़ाद कराने को बोल रही है। फिर वो बच्ची फैमिली फैमिली बोल के जेन को खींच के एक कमरे में लेके जाती है, और वहाँ भी एक अजीबोगरीब लाश पड़ी होती है, और तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और सब लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, जिसमें से एक बहुत ही डरा हुआ आदमी होता है और उसके भी हाथ में गन होता है। ये लोग बोलते हैं कि तुम गन नीचे कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और वो दूसरी लैंग्वेज में कुछ बोलता है पर इन्हें समझ नहीं आता। और तभी वो पीछे उस छोटी सी लड़की को देखता है और उसको देखते ही वो फायर करना शुरू कर देता है, और उसकी गोली सीधे जैक्सन के सर को आर पार कर जाती है और टेपलोप के पैर में भी लग जाती है। टेपलोप एक चाकू निकालता है और उस आदमी को वहीं पे मार देता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अचानक आखिर हुआ क्या। बिगलो को एक वहाँ पे बॉक्स मिलता है जिसमें सोना होता है, और उसे खोलते ही इसे कुछ बुरी शक्तियों का एहसास होता है, और सिनक्लेयर को वहाँ पे पड़ी फोटोज दिखती हैं जिसमें जंजीर से बंधा एक बड़ा सा बॉक्स होता है, और ये देख कर बिगलो लालच में आ जाता है और उसे लगता है कि इसमें हीरे जवाहरात होंगे, और उस बॉक्स को तोड़ने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी सिनक्लेयर को एक बुक मिलती है जिसमें एक अजीब से भयंकर जानवर की तस्वीर बनी होती है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, पर जब तक वो बिगलो को रोकने जाता वहाँ बहुत देर हो चुकी थी। बिगलो वो बॉक्स खोल देता है और उसमें सोया हुआ शैतान जाग जाता है और बिगलो को काट के मार देता है। फिर ये शैतान सिनक्लेयर की तरफ बढ़ता है, पर सिनक्लेयर दरवाज़ा बहुत मुश्किल से बंद करके वहाँ से भाग जाता है और सबको बताने जाता है। और इधर ये छोटी लड़की भी शैतान के रूप
में बदल जाती है और जैन के ऊपर हमला कर देती है। तभी सिंक्लेयर आ जाता है और उस छोटी बच्ची पे फायर करता है और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम फैराडे को देखते हैं जो जर्मन से रेडियो पे कांटेक्ट करके उन्हें अपनी लोकेशन बता रहा होता है और मदद मांगता है, और तभी पीछे से वो छोटी बच्ची जो शैतान के कब्जे में होती है उसे भी काट लेती है, और ये लोग उसे बचाने भागते हैं पर वो भी अब शैतान बन गया होता है, इसलिए इन लोगों को फैराडे को मारना पड़ता है। अब ये लोग भागते हुए जाते हैं और उस बुक को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस बॉक्स में से कोई एक शैतान निकल गया और उसी ने सारे क्रू को मार डाला और वही माया है। माया उस छोटी बच्ची का नाम होता है। इधर ये भयंकर शैतान अपनी लवर को भी जगा देता है और सारे मरे लोग भी जिंदा होने लगते हैं। जैन एक प्लानिंग करती है कि हम माया को जला के मार देंगे। फिर वो उसकी डॉल हाथ में लेती है और माया का नाम लेके उसे अपने पीछे पीछे बुलाती है, और जैसे ही वो रूम के पास पहुंचती है दोनों तरफ से सिंक्लेयर और टेबलोव दरवाजा बंद करके उसमें आग लगा देते हैं। माया बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है और वो जैन की मरी हुई बेटी का रूप ले लेती है और चिल्लाती कि माँ मुझे बचाओ, और जैन पागलों की तरह रोने लगती है और उसे बचाने जाती है। सिंक्लेयर बोलता है कि होश में आओ, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो एक शैतान है। और फिर वो अपने हाथ देखती है जहाँ माया ने उसे काटा था, वो पूरा वेन में फैलने लगता है। इट मीन्स कि अब वो भी शैतान बनने वाली है और शैतान उसे कंट्रोल करने लगता है और उसी से दरवाज़ा खुलवा लेता है। दूसरी तरफ टेप्लोव शैतान को मारने का तरीका ढूंढ रहा होता है और उसे एक बॉक्स में होली वाटर मिलता है। तभी पीछे से वो शैतान उसके ऊपर अटैक कर देता है पर होली वाटर शैतान के ऊपर ही गिर जाता है जिससे टेप्लोव बच जाता है, पर उसने टेप्लोव को भी अब काट लिया होता है और शैतान कहता है कि अब तुम्हारा खून मेरे खून के साथ दौड़ रहा है। फिर टेप्लोव उसे गोली मारता है और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भाग जाता है। अब सीन सिंक्लेयर पे फोकस करती है जिसे अपनी वाइफ के बुलाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उसके पीछे पीछे जाता है पर वो उसकी वाइफ नहीं चुड़ैल होती है। सिंक्लेयर समझ नहीं पाता और उसे हक कर लेता है, और जैसे ही वो चुड़ैल उसे काटने जाती है वहाँ टेप्लोव आ जाता है और फ्लेयर गन चला के जोर से चिल्लाता है सिंक्लेयर मारो उसे, पर जब वो आगे मुड़ता है वो फिर से उसकी वाइफ के रूप में आ जाती है, पर वो हिम्मत करके चिल्लाते हुए उसे कुल्हाड़ी से मार डालता है। तभी उन्हें एक दूसरे जहाज के आने की आवाज़ सुनाई देती है पर उनके पास अब फ्लेयर गन नहीं होता। इसके बाद टेप्लोव प्लान बनाता है कि हम इस पूरे शिप को जला देंगे, हमें इंजन ऑन करना होगा ताकि ये गर्म होके ब्लास्ट हो जाए, इससे दूसरी शिप को भी सिग्नल मिल जाएगा और सारे शैतान मारे जाएंगे और हम तीनों शिप से कूद जाएंगे और हमें जैन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। फिर वो लोग हथियारों के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दरवाजे से आवाज़ आता है कि इसे खोलना मत, पर दोनों खोल देते हैं जिसके अंदर मुर्दे भरे होते हैं और वो अचानक से ही जिंदा हो जाते हैं। ये लोग काफ़ी देर उससे लड़ते हैं और एक एक को कुल्हाड़ी से मार डालते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि टेप्लोव की हालत ख़राब होने लगती है और जो शैतान ने उसे काटा होता है वो धीरे धीरे उसके बॉडी में फैलने लगता है। इट मीन्स कि अब टेप्लोव भी शैतान बन जाएगा और उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। सिंक्लेयर कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। टेप्लोव बोलता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम यहाँ से जाओ और जैन को ढूंढो और मैं इधर विस्फोट करूँगा और तुम दोनों शिप से कूद जाना। सिंक्लेयर बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूँ। इस पर टेप्लोव समझाता है कि तुम्हें जाना होगा, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी वाइफ को दोबारा देख पाओ और अपनी बेटी को हमारी कहानी ज़रूर सुनाना। सिंक्लेयर इमोशनल होकर गुड बाय बोलता है और वहाँ से जैन को ढूंढने चला जाता है और जैन उसे मिल जाती है। जैन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो बोलती है पर मैं नहीं जा सकती। वो पूछता है कि क्यों। इस पर वो शांत हो जाती है और चुपचाप उसके साथ वो चलने लगती है। दूसरी तरफ हम टेप्लोव को देखते हैं, वो जैसे ही टैंक ब्लास्ट करने जाता है उसके हाथ रुक जाते हैं और शैतान आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम मेरी कंट्रोल में हो, और टेप्लोव शैतान के रूप में बदलने लगता है। शैतान कहता है कि ह्यूमन एक ऐसा जानवर है जिसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। तभी टेप्लोव अपना क्रॉस निकालता है और उसने जहाँ उसे काटा होता है उस जगह पे उसे चिपका देता है और इससे इन दोनों की बॉडी जलने लगती है और टेप्लोव जोर से चिल्लाता है अब तुम्हें नर्क में जाना ही होगा, और तुरंत वो कुल्हाड़ी उस एक्सप्लोजिव मटेरियल पे मार देता है और पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जैन के मना करने
के बाद भी सिंक्लेयर उसे लेके पानी में कूद जाता है। जैन डूबने लगती है पर सिंक्लेयर उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो ऊपर आता है जैन के अंदर वो शैतान घुस जाता है और वो सिंक्लेयर को काट के पानी में ही मार डालता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दूसरी शिप ने जैन को रेस्क्यू कर लिया है और वो पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है हाँ, और एक डेविल स्माइल के साथ यहाँ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। इट क्लियरली शोज कि शैतान अभी भी जिंदा है। वेल, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।